हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ खुशी चौधरी और आपकी खुशी के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज है बुद्ध पूर्णिमा, तो आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ गई हूँ, सारा काम हो गया है और मैं नहा भी ली हूँ क्योंकि आज मुझे करनी है घर में पूजा। तो फिर मैंने सोचा जल्दी से उठ के थोड़ा काम कर लेते हैं घर का और फिर कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हवन, तो हवन मतलब हम घर में ही कर लेंगे क्योंकि चौधरी साहब खुद कह रहे हैं कि मैं ही हवन करवा दूंगा। क्योंकि ये मतलब हम नॉर्मली क्या करते हैं ना कि हम खुद ही घर करके ही हवन कर लेते हैं। तो वो उधर हमारी लग गई है फोटोज, जो गायत्री माता है, गुरुजी है हमारे और माता जी है, तो उनकी वहाँ पर वो लगा दी है, कलश वगैरह रख लिया है, पूरी तैयारी हो चुकी है। और चौधरी साहब अभी तैयार होके आ रहे हैं, हमारे पंडित जी। पंडित जी कितना टाइम और? 2 मिनट ओनली। तो हम करेंगे हवन और इतनी जल्दी हवन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज मुझे अपनी फ्रेंड के घर भी जाना है, क्योंकि वहाँ पर भी उन्होंने भी अपने घर में हवन रखा है, तो थोड़ी देर उनके उपास भी जाना होगा मेरे को। तो चलिए चलते हैं, हवन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस हवन में शामिल होने के लिए आप भी ज़रूर से इसमें शामिल होइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। तो ये बना लिया है मैंने प्रसाद, यहाँ पर जो है सूजी का हलवा, और ये है अपनी हवन सामग्री। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। और ये देखिए, यहाँ पर हो चुकी है हमारी तैयारी। ये आगे है कलश देवता और ये यहाँ पर चौधरी साहब ने कुछ कुछ रखा है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे हवन की तैयारी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर चौधरी साहब कर रहे हैं तैयारियाँ। ये देखिए, आप कब से हवन करवा रहे हो चौधरी साहब? जब मैं 12th क्लास में था ना, तब से मुझे ये हवन विधि आती है। अच्छा। चलिए सबसे पहले हम हवन की शुरुआत कर लेते हैं। ओके। जब हम हवन करते हैं तो हमारे गुरु को याद करते हैं सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु ही हैं वो जिन्होंने ईश्वर से मिलने का, ईश्वर में ध्यान लगाने का रास्ता हमें बताया है। तो ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु नमामि। अखण्डनन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम साधनादि पवित्र करणम। तो जब भी हम हवन करते हैं तो जितनी भी सामग्री हमारे पास है वो हमने ले ली है, बट उनका पवित्रीकरण करना आवश्यक है, तो ताकि जब वो हवन यज्ञ कार्य में शामिल हो तो सब पवित्र हों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मंत्र के साथ सभी वस्तुओं पर जल छिड़केंगे, ठीक है ना। तो मैं मंत्र बोलूँगा, आप सब पे जल छिड़केंगे हल्का सा, है ना। अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्योर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भुवः स्वधूरिव भूम्ना पृथिवीव वारिमणा तयास्ते पृथिवी देव्यग्निपृष्टी अग्निनाम्ना ध्यायदधे अग्निम् दूतं पुरोदधे हव्यवाहन कुब्रुवे देवा आसादयादिह ओम अग्ने नमः। ओम
आजाहूति। सबसे पहले आजाहूति लगाई जाती है। आजाहूति का मतलब होता है कि घी की आहुति। ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम गायत्री मंत्र यो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्यवदनं उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः। अब स्वस्तिकृत होम एक प्रायश्चित आहुति कहलाती है। यदि कोई भूल हमसे रह गई हो इस हवन विधि में तो हमें क्षमा करें। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसके अंदर लेंगे मिष्ठान है। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। रक्षा सूत्र में तीन मंत्र होता है ओम भूर भुवः और तीन गाठे लगती है। ये तीन गाठे में ओम भूर भुवः होता है और तीन बार ही फेरते हैं। ये तीन बार फेरेंगे और तीन गाठे लगाएंगे। गाओ सुहागिने नारी कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागिने नारी कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागिने नारी कलश सिर धारण करो। कलश के मुख परे ब्रह्मा जी सोए। कलश के मुख पर ब्रह्मा जी सोए। कंठ में लग करे शंकर सोए। कंठ में लग करे शंकर सोए। हे जी विष्णु सोए मुलाकारी कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागिने नारी कलश प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे। कहते हैं कि कलश में सारे देवी देवता विराजमान हैं तो हमें उनसे प्रार्थना करना है कि प्रभु आप आए हैं जिस तरह से आप लोग संगठित होकर रहते हैं हम लोग भी उससे सीखे ही देते हैं कलश पूजक में कि हम लोग भी संगठित होकर के ही रहे। प्रेरणा ये मिलती है तो हम लोग कलश प्रार्थना करेंगे। विश्वोदगे कारण विश्वरम्बातस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओं यं ब्रह्म वरुणेन्द्र मरुत स्थूलवन्ति दिव्य श्रुतव वेद सांग पद कर्मदो पद निषद गायत्री यम श्याम गा ध्यानमस्ति तद तेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यश्यान्तं न विदुषुरगणाय। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। जय गायत्री माता जयति जय गायत्री।